क्या आपको बनाना हरदम एक ही जैसा खाना पसंद आता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने तो बनाया आज क्रीमी क्रीमी सा बनाना, जो बना बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो चलिए आप भी इस बनाना को बनाइए, बहुत ही लाजवाब सा क्रीमी क्रीमी सा बनाना। क्रीमी क्रीमी सा बनाना बनाने के लिए हमने लिया है 2 बनाना। तो जितना ज्यादा आपको क्रीमी बनाना बनाना हो, उतना ही ज्यादा बनाना लेना है। तो बनाना को हमें छील लेना है और इसके पतले पतले टुकड़े कट करना है। जिस भी शेप में आप इसे कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं, गोल मटोल सा, थोड़ा मोटा या एकदम पतला। इसे इस तरीके से कट करेंगे कि ये थोड़ी लंबाई में कटे और जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकले हुए हैं ऐसे ऐसे गपगप से खा जाएंगे। तो इसे हम डालेंगे मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि इसी में हमें क्रीम मिलाना है। मैंने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, ये थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने सोचा ऐसा क्रीमी क्रीमी बनाना ही बना डाला जाए। तो मैंने बनाया इसे और ये बना बहुत ही ज्यादा टेस्टी। बनाना में हमने क्रीम अच्छे से मिला लेना है, इसमें थोड़ी सी चीनी डालना है। बनाना काफी मीठा होता है पर इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो इसमें मीठापन अच्छे से आएगा। बाकी अगर आप शुगर वगैरह के पेशेंट हैं तो आप चीनी बिल्कुल ना डालें, आप ऐसे ही बनाना और क्रीम मिलाकर खा लें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पर बड़े ही ध्यान से, क्योंकि बनाना का टुकड़ा टूटना नहीं चाहिए और अगर टूट गया तो इसका शेप ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा टेस्टी टेस्टी सा दिखना भी तो चाहिए। तो बनाना में क्रीम बड़े ही आराम से मिलाए कि ये बनाना का टुकड़ा टूटे नहीं, और इसे मिक्स करने के बाद सर्व करें। क्यों तो आप इसे ऐसे ही खा करके मोटे हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो आप फटाफट से और ही ज्यादा मोटे हो जाएंगे। अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो एक हफ्ते भर इसे ऐसे मिला करके खा लो ये क्रीमी क्रीमी सा बनाना, वजन आपका 10 केजी तो बढ़ ही जाएगा। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें पिस्ता, काजू और बादाम के टुकड़े डाल दिया है और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो इसके लुक को और ज्यादा बढ़ा देगी और बेहतरीन सी खुशबू देगी। तो इस तरीके से आप भी ये लाजवाब सा क्रीमी बनाना बना करके खा सकते हैं और फटाफट से मोटे हो सकते हैं हफ्ते भर में। वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसे जरूर ट्राई करें, फटाफट से वजन बढ़ेगा। ये टेस्टी बहुत ही ज्यादा लगता है, तो ट्राई जरूर कीजिए और फटाफट से खा करके कमेंट करके बताइए कि आपको ये लाजवाब सा क्रीमी बनाना कितना ज्यादा पसंद आया और ये टेस्टी सी रेसिपी खाने के बाद आपका वजन कितना ज्यादा बढ़ा। दोस्तों आपको ये लाजवाब सी क्रीमी बनाना बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।